राधे राधे राधे, कृष्णा कृष्णा कृष्णा, जय लड्डू गोपाल की, जय बाल गोपाल की। आप सभी भक्तों का हमारे चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप सुनेंगे बहुत सुंदर कथा, मन को भाव विभोर कर देने वाली। मन और ध्यान से सुने, क्योंकि यह कथा लड्डू गोपाल जी की बहुत सुंदर कथा नहीं लीला है, बहुत सुंदर लीला जो लड्डू गोपाल जी ने अपने एक भक्त मैया के साथ की है। तो एक मैया थी, वो लड्डू गोपाल जी का बहुत ध्यान रखती थी, अपने पुत्र के तरह लड्डू गोपाल जी को भोग लगाती, ध्यान रखती, हर तरह से कपड़े का, भोजन का, सुलाने का, उठाने का, इस तरह से वह बहुत अच्छे से लड्डू गोपाल जी का ध्यान रखती थी। एक दिन मैया के मायके में उनकी बहन की शादी थी, छोटी बहन की, और उन्हें अपने मायके जाना था। वह अपने तैयारियों में लगी हुई थी, तो वह उस दिन लड्डू गोपाल जी को श्रृंगार करना भूल जाती हैं, स्नान करा के हल्के से वस्त्र पहना देती हैं, और वह अपने श्रृंगार में, अपनी तैयारी में, मायके जाने के खुशी में उस दिन उनके मन से ये उतर जाता है कि मुझे लड्डू गोपाल जी को भी श्रृंगार कराना है। वह जब अपने मंदिर में जाती हैं तो उन्हें यह आवाज़ भी आती है, मैया मुझे भी तैयार कर दे, मैया मेरा भी श्रृंगार कर दे। लेकिन वो अपने मायके जाने की इतनी खुशी होती है, अपने बैग वगैरह सब पैक करने में लगी हुई होती हैं, और वह सुनते हुए भी उन्हें ये भूल जाती हैं और फिर अपने कार्य में लग जाती हैं, अपनी पैकिंग में लग जाती हैं। उसी दौरान उनके मायके से फ़ोन भी आ जाता है कि दीदी, आप जल्दी से आने की तैयारी करें, यहाँ पर प्रोग्राम शुरू होने वाले होते हैं। इस तो उनका मायका ज़्यादा दूर नहीं होता है, थोड़ा 20-25 मिनट का रास्ता था, इतनी दूरी उनका मायका था। वो फिर फ़ोन सुनते ही और ज़्यादा हड़बड़ी में जल्दी जल्दी से बैग पैक करती हैं और अपने मायके के लिए लड्डू गोपाल जी जैसे थे उनको वैसे ही बैठा के अपनी टोकरी में और लेके चल देती हैं अपने साथ। वह भूल जाती हैं लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करना। वह अपने मायके जाती हैं, उनके मायके में जो उनके रिश्तेदार, आसपास के लोग आए और सबने कहा लड्डू बाबू को मुझे दे दो, लड्डू बाबू को हमें दे दो, क्योंकि वो जानते थे जब भी वो मैया अपने मायके जाती थी तो वो लड्डू गोपाल जी को अपने साथ हमेशा लेके जाती थी। तो सब उनके लड्डू को बहुत प्यार करते थे, सबको पसंद थे उनके लड्डू, और उनके लड्डू बाबू का श्रृंगार वो बहुत अच्छा करती थी, तो सब बहुत ही लड्डू गोपाल जी को लेकर खुश होते थे, बहुत तारीफ़ लड्डू की मैया की करते थे। इस तरह से उस दिन, लेकिन वो मेकअप नहीं कर पाई और ऐसे ही लड्डू गोपाल जी को साधारण से कपड़ों में अपने मायके लेके चली जाती हैं। वहाँ पर एक छोटी सी लड़की जब देखती है, वह कहती भी है, मौसी तुमने आज लड्डू बाबू का मैं श्रृंगार नहीं किया है, तुमने आज लड्डू बाबू को ये साधारण से कपड़े पहनाए हैं, कुछ भी श्रृंगार नहीं किया है, आज लड्डू बाबू का श्रृंगार क्यों करना भूल गई। लेकिन जब और तो इग्नोर कर देते हैं, लेकिन मैया जब इस बात को थोड़ा सुनती भी है और फिर वह और कार्य में लग जाती है, वह फिर भूल जाती है। इस तरह से सभी पूरे दिन और थोड़ा प्रोग्राम होता है और सभी खाना पीना खाते हैं और सोने के लिए चले जाते हैं। मैया भी अपने लड्डू गोपाल जी को लेके अपने रूम में सोने के लिए चली जाती हैं, क्योंकि वे अपने लड्डू गोपाल जी को अपने साथ ही सुलाती थी। तो तब वे रात में सोती हैं, तो तब उन्हें सपना आता है, जैसे लड्डू गोपाल जी उनके ऊपर बैठे हैं और कहते हैं, अरे मैया तू कैसी माँ है, मैंने तुझे इतना आवास कराया, मुझे भी सजा दे, खुद तो पैरों से लेकर सिर तक सज गई, इतना श्रृंगार किया, इतना समय लगाया अपने में, अपने मैं के आने की इतनी खुशी हुई तुम्हें, तुमने मुझे तैयार भी नहीं किया, मेरी पोशाक भी नहीं बदली, मुझे ऐसे ही ले आई, कितनी बार मैंने कोशिश की मैया मुझे भी तैयार कर दे। उस छोटी सी लड़की ने भी कहा, आज तुम मुझे ऐसे ही ले आई, सब मुझे देख कर कैसे कह रहे थे, तुमने मुझे आज सब ऐसे ही सबको दे दिया, ना श्रृंगार किया, ना सुंदर वस्त्र पहनाए, अरे मैया तू कैसी है, अपना ही अपना चाहती है, तू मुझे ऐसा प्यार करती है। इस तरह से जैसे ही उसने ये बातें सुनी और एकदम मैया की आँख खुल जाती है और मैया आंसुओं से रोना शुरू हो जाती है, जैसे ही देखती है अपने लड्डू गोपाल जी को और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती है, कहती है, लाला आज तो मुझे माफ़ कर दे, आज मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं तुझे श्रृंगार करना भूल गई, तू कैसी है। इस तरह से लड्डू गोपाल जी से बहुत क्षमा मांगती है, उसे वे शब्द याद आते हैं जब लड्डू गोपाल जी ने सपने में उनसे कहे थे, मैया तू कैसी माँ है, मुझे अच्छा लगता है, मुझे अपना सजना संवरना नहीं, मुझे अच्छा लगता है जब मेरी मैया की कोई तारीफ़ करता है और कहता है, तूने मैया आज कितना सुंदर अपने लाला का श्रृंगार किया है, और अपनी प्रशंसा
जब मुझे अच्छा लगता है, जब मेरी मैया की कोई प्रशंसा करता है, मैया मुझे बहुत अच्छा लगता है और तूने आज क्या किया। इस तरह वे शब्द सारे उसके गूंजते रहते हैं कानों में और वह बहुत रोती है और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती है। लाला, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, अभी तो शादी कल है, कल भी दिन में प्रोग्राम है। अब देख लाला, मैं कल को तुझे ऐसा सजाऊंगी कि सब देखते रह जाएंगे, पर आज मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हुई है, उसके लिए लाला तू आज मुझे क्षमा कर दे, मैं कैसे पता नहीं भूल गई, मुझे माफ़ कर देना। फिर इस तरह से रोती हुई ये शब्द कहते हुए मैया पूरी रात सो नहीं पाती है और बस यही लड्डू गोपाल जी को गोद में लिए बैठी रहती है, अपने लड्डू गोपाल जी के हाथ पैर दबाती रहती है। ये इतना मन को छू लिया उसके लाला की बातों ने, क्योंकि वह बहुत प्यार करती थी और उस दिन वह अपने शादी, अपने घर आने की खुशी में और बहन की शादी की खुशी में भूल गई। अगले दिन जब प्रोग्राम होते हैं और फिर वह लाला का ऐसा सुंदर श्रृंगार करती है, इतना सुंदर अपने लाला को सजाती है, सब देखते रह जाते हैं, सब उसकी मैया, लाला की मैया की तारीफ़ करते हैं, लड्डू गोपाल जी की मैया की तारीफ़ करते हैं, अरे तूने आज अपने लाला को इतना सुंदर सजाया है, इतने सुंदर तेरे लाला लग रहे हैं, बहुत तारीफ़ करते हैं सब। तो मैया भी खुश होती है और बाल गोपाल के चेहरे पर भी ऐसी मुस्कुराहट आती है और लड्डू गोपाल जी भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि कान्हा जी चाहते थे अपने भक्त की प्रशंसा। लड्डू गोपाल जी ने इसलिए, क्योंकि मैया लड्डू का श्रृंगार करती और तारीफ मैया की होती, और लड्डू बाबू यही चाहते थे कि मेरी मैया की हर कोई प्रशंसा करे, ये भाव था, ये लड्डू गोपाल जी दर्शाना चाह रहे थे। और इस तरह से फिर इतनी तारीफ़ होती है लड्डू की मैया की और सभी लोग बहुत तारीफ़ करते हैं। इस तरह से फ्रेंड्स, सच्चा मन से जब हम प्यार करते हैं लड्डू गोपाल जी को, सच्चे मन से हम लड्डू गोपाल जी को याद करते हैं, कभी कभी थोड़ा गलती हो जाती है, भूल जाते हैं, कहीं जाना होता है, लेकिन जब आप अपने घर में ही लड्डू गोपाल जी को डेली मौसम के हिसाब से कपड़े पहनाते हैं, तो अपने घर में तो हल्के कपड़े पहना के रखें कम्फर्टेबल, जैसे हम भी हर समय श्रृंगार करके हर समय भारी भारी कपड़े पहन के नहीं रहते, हमें भी वो परेशानी होती है, वैसे ही लड्डू बाबू भी तो छोटे से बाल गोपाल हैं, छोटे से लाला हैं, तो उन्हें भी तो परेशानी होती होगी। तो लेकिन जब हम कहीं उन्हें कम्फर्टेबल इस तरह के कपड़े पहनाएं मौसम के अनुसार, जिससे उन्हें भी कम्फर्टेबल लगे, आराम महसूस हो, क्यों वो छोटे से बाल गोपाल हैं। और जब हम कहीं जाते हैं पार्टी, शादी या कहीं घूमने, तब जिस तरह आप अपना श्रृंगार, अपने सुंदर सुंदर कपड़े पहनते हो, वैसे ही आप अपने बाल गोपाल का भी सुंदर श्रृंगार करें, सुंदर सुंदर से वस्त्र पहनाएं, जिससे कि हम जो भी देखें वो हमारे लाला को, हमारे बाल गोपाल को देखता ही रह जाए, उस बाल गोपाल की थी तारीफ़ करेंगे तो उसमें भी आप ही को, आप ही की तारीफ़ और अपनी तारीफ़ सबको अच्छा लगता है सुनना, रिया बाल गोपाल अपने भक्त की ही तारीफ़ करवाते हैं। जब हम लड्डू गोपाल जी को सुंदर सा सजाते हैं और कोई दूसरा कहता है अरे तेरे लाला तो बहुत सुंदर लग रहे हैं, तो कितना अच्छा लगता है। ये है भक्त और भक्त और प्रभु के बीच की बातें। तो जब हम इस तरह से ध्यान रखते हैं अपने बाल गोपाल का, तो वो भी हमारा ध्यान रखते हैं, हमारे कान्हा भी हमारा ध्यान रखते हैं, हमारे बाल गोपाल भी। तो फ्रेंड्स, यही है सच्चे भक्त की पहचान, कि वो अपने से पहले अपने कान्हा के बारे में सोचे और अब और प्रभु और हमारे बाल गोपाल जो मन से भाव से कान्हा जी की सेवा करते हैं, ध्यान रखते हैं, वो हमेशा अपने भक्त की तारीफ़ ही सुनना चाहेंगे, अपने भक्त की तारीफ़ कराते हैं हर जगह। तो इस तरह से जब हम अपने लड्डू गोपाल जी का ध्यान रखते हैं, तो यही सच्चे भक्त होते हैं। हर समय आप अपने बाल गोपाल के खाने का, कपड़ों का, सोने का, उठाने का, मन से भाव से ऐसे ध्यान रखें जैसे आप अपने छोटे से लाला की, छोटे से बच्चे का ध्यान रखते हैं, वैसे ही अपने लड्डू गोपाल का ध्यान रखें। फ्रेंड्स, ये हमारे मन का भाव है और ये इतनी सुंदर घटना, इतनी सुंदर लीला जब लड्डू गोपाल जी अपने भक्तों के साथ करते हैं, तो मन को छू लेती है और मन करता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों समझें कि असली प्यार क्या होता है लड्डू गोपाल जी के साथ में, असली भाव क्या होता है लड्डू गोपाल जी के साथ। तो हम जब कान्हा जी से मन से जुड़ जाते हैं, तो तब हमें लड्डू गोपाल जी ही नज़र आते हैं, वो ही हमें सारी
जितने भी हमारे रिश्ते नाते सब होते हैं वो ही हमें सब राह दिखाते हैं अच्छी, हर जगह वो हमारा साथ देते हैं। हर अगर हम कभी परेशान होते हैं, किसी कोई हमें कष्ट होता है या कोई दिक्कत हो या कुछ भी, हम कुछ बात हम नहीं समझ पाते हैं कई बार, तो कान्हा जी हमें किसी ना किसी रूप में उस बात को समझा जाते हैं और ये एहसास करा जाते हैं कि वो हमारे साथ होते हैं। यही सच्चा भक्त होता है जो अपने कान्हा के हर अनुभव, हर बात और हर लीलाओं को समझ पाते हैं मन से। जो वो लोग दिल से मन से जुड़ते हैं लड्डू गोपाल जी से, वो इन चीज़ों को ज़रूर समझते हैं, ज़रूर लड्डू गोपाल जी से मन और भाव से प्रेम करते हैं। और ऐसे ही हमेशा अपने बाल गोपाल से प्रेम करें, उनका ध्यान रखें, तो देखिए अपने आपके जीवन को कैसे लड्डू गोपाल जी खुशियों से भर देते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी है मन को छू लेने वाली सुंदर घटना राधे? इस तरह से अगली और एक नई घटना, नई कहानी के साथ फिर आएंगे। राधे राधे राधे, कृष्णा कृष्णा कृष्णा, जय लड्डू गोपाल की, जय बाल गोपाल की।